हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज हम फेस जोन के इस एपिसोड में जानने वाले हैं गाड़ी के नंबर से मालिक का नाम कैसे पता करें। आज के वीडियो में आपको गाड़ी के नंबर से मालिक का नाम कैसे पता करें इसके बारे में बताने जा रहे हैं। व्हीकल जैसे कार, बाइक हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं। कहीं काम पर जाना हो या किस भी जगह घूमने जाना हो, हम इसके लिए गाड़ी की मदद लेते हैं। दुनिया की तरक्की के लिए गाड़ियों का काफ़ी योगदान रहा है, क्योंकि इससे एक जगह से दूसरी जगह की दूरी बहुत आराम से कम समय में तय की जा सकती है। हमारी ज़रूरत के हिसाब से कई प्रकार के वाहन हैं, जैसे कार, बाइक, ऑटो, बस और ट्रक आदि। इनसे हम बहुत आसानी से सफ़र करते हैं। जितने भी फ्यूल से चलने वाले वाहन होते हैं, उनके आगे पीछे नंबर प्लेट लगी होती है। इस प्लेट में लिखा नंबर गाड़ी की पहचान बताता है। इस नंबर प्लेट से आप जान सकते हैं कि गाड़ी किस राज्य और जिले की है। हालांकि इसमें मालिक का नाम नहीं लिखा होता है, लेकिन अब आप इंटरनेट के जरिए वाहन के नंबर से मालिक का नाम पता कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया काफ़ी आसान है और यह जानकारी किसी के एक्सीडेंट के वक्त काम आ सकती है। गाड़ी के नंबर से मालिक का नाम कैसे पता करें? किसी भी गाड़ी की जानकारी पता करने के मुख्य तीन तरीके हैं। पहला ऑनलाइन वेबसाइट, दूसरा मोबाइल ऐप और तीसरा SMS के जरिए। इनमें से आप अपनी सुविधा के अनुसार का सीबी तरीकों को ट्राई करके देख सकते हैं। पहले और दूसरे तरीके में आपको स्मार्टफोन की जरूरत पड़ेगी, जबकि तीसरे तरीके में आप यह काम स्मार्टफोन के अलावा कीपैड मोबाइल से भी कर सकते हैं। बता दें कि आप अपने जियो फोन से गाड़ी के नंबर से मालिक का नाम पता कर सकते हैं। हालांकि आज के समय ज्यादातर लोगों के पास स्मार्टफोन न है, ऐसे में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास भी स्मार्टफोन होगा। ऐसे में आप बहुत आसानी से किसी भी गाड़ी से उसके मालिक का नाम पता कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास फोन के साथ इंटरनेट कनेक्शन भी होना जरूरी है। अगर आप SMS की सहायता लेते हैं तो वहां आपको कुछ SMS चार्ज देना होगा। वेबसाइट से कैसे पता करें? आज के समय इंटरनेट में हर सरकारी विभाग की अलग साइट देखने को मिल जाती है। किसी गाड़ी का स्टेटस देखने के लिए भी ऑनलाइन वेबसाइट मौजूद है। तो अगर आप वेबसाइट के जरिए किसी व्हीकल की जानकारी निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन के ब्राउजर में जाना है और वहां parivahan.gov.in लिखकर सर्च करना है। इसके रिजल्ट में सबसे पहली साइट आपको इसी गाड़ी का स्टेटस पता करने वाली मिलेगी। आपको इसे ओपन कर लेना है। हालांकि इस साइट में आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, ऐसे में आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। ऐसे में आप इस साइट में मालिक का नाम बताने वाले पेज में parivahan.gov.in/rcdlstatus यहां से पहुंच सकते हैं। इस पेज में पहुंचने के बाद आप जिस भी गाड़ी की जानकारी जानना चाहते हैं, बॉक्स में उसका रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। इसके नीचे आपको कैप्चा को सही से देखकर फिल करना है। व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा भरने के बाद चेक स्टेटस पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने गाड़ी की जानकारी सामने आ जाएगी। इसमें ओनर का नाम, रजिस्ट्रेशन डेट, गाड़ी का मॉडल नंबर जैसी जानकारी शामिल मिलेंगी। नाम बताने वाला ऐप, यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो आपको गाड़ी के नंबर से मालिक का नाम बताने वाला ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करके जरूर रखना चाहिए, क्योंकि यह ऐप किसी के एक्सीडेंट के वक्त आपके काम आ सकता है। हम जिस ऐप के बारे में बताने जा रहे हैं उसका नाम एम परिवहन है। यह ऐप आपको प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। इस ऐप्स को ओपन करने के बाद आपको इसके होम पेज में कई ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको ASCII सेलेक्ट करना है। इसके आगे आप जिस भी गाड़ी की डिटेल निकालना चाहते हैं उसका रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। नंबर लिखने के बाद सर्च वाले आइकॉन पर क्लिक करें। इससे आपके द्वारा एंटर किए गए गाड़ी के नंबर की डिटेल सामने आ जाएगी। SMS से कैसे जाने? यदि आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप अपने कीपैड फोन से किसी भी गाड़ी की डिटेल निकाल सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपके कीपैड फोन में बैलेंस होना आवश्यक है, तो इसके लिए आपको एक विशेष नंबर पर SMS करना होगा। इस तरीका में आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती, यह किसी फोन में ऑफलाइन काम करता है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाना है और वहां वाहन स्पेस गाड़ी का नंबर लिखना है। उदाहरण के तौर पर वाहन DL04MY1234 इसे लिखकर 773,82,99,899 पर सेंड कर देना है। इसके कुछ सेकंड बाद आपके मोबाइल पर एक SMS आएगा, जिसमें गाड़ी की डिटेल मिल जाएगी। यहां SMS करने के 1.50 या 2 रुपये चार्ज किए जा सकते हैं। बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि गाड़ी के नंबर से एड्रेस कैसे पता करें, तो बता दें कि आप फिलहाल किसी भी साइट या ऐप से गाड़ी के मालिक का
एड्रेस पता नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह मालिक की सिक्योरिटी के खिलाफ होता है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आप पुलिस में शिकायत कर सकते हैं, पुलिस आरटीओ से गाड़ी के ओनर का एड्रेस पता कर लेगी। तो अब आप जान गए होंगे कि गाड़ी के नंबर से मालिक का नाम कैसे पता करें। बता दें कि अप वाले तरीके को छोड़कर पहला और तीसरा तरीका जियोफोन में भी काम करेगा। यदि आप एक जियोफोन यूजर है तब भी आप बहुत आसानी से किसी भी गाड़ी की डिटेल निकाल सकते हैं। यह तीनों तरीके अच्छे से काम कर रहे हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से किसी को भी ट्राई करके देख सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगता है तो लाइक करना मत भूलना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।